हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप सब भी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है ऑनलाइन चेकबुक के से रिलेटेड है। ये चेकबुक कैसे ऑनलाइन मंगाते हैं अपने घर पे, और ऑनलाइन SBI बैंकिंग का यूज करके कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं और कैसे मंगाते हैं घर पे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो तो ठीक है, और अगर नहीं करते हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फिर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ऑनलाइन बैंकिंग यूज करने के लिए कैसे अकाउंट बनाया जाता है, कैसे इसको यूज किया जाता है। और लेकिन आज का जो वीडियो है केवल आपको चेकबुक अप्लाई करने के लिए है, कैसे ऑनलाइन चेकबुक का अप्लाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और यहाँ से हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। फ्रेंड्स क्रोम ब्राउज़र पे हम आते हैं और यहाँ हम टाइप करते हैं SBI। SBI टाइप करके हमें इसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह का इंटरफेस आपके पेज पे आ जाएगा। तो हमें इस वाले पेज पे चलना है। उसके पहले फ्रेंड्स हमें यहाँ से ऊपर से जो है ये ऊपर दिख रहा होगा आपको, थ्री डॉट्स, ये ऊपर थ्री डॉट्स दिख रहा है। थ्री डॉट्स से हमें डेस्कटॉप साइट कर लेना है इसको। तो फ्रेंड्स इस तरह का डेस्कटॉप साइट आपका हो जाएगा। आप अगर आप लैपटॉप पे या अपने PC पे खोलते हैं फिर भी इसी तरह का इंटरफेस खुलेगा। फ्रेंड्स मोबाइल में और PC में कुछ अंतर नहीं होता। आजकल जितने भी एप्स बन रहे हैं सारे के सारे डेस्कटॉप वर्जन के साथ बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें आना है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, हमें आना है यहाँ, देख सकते हैं आप ये SBI का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। और फ्रेंड्स इस चीज़ और इस वेबसाइट पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो वेबसाइट हमारा है ये आप देख सकते हैं, और जूम कर देता हूँ मैं, ये HTTP ये दिख रहा होगा, यही इसका पहचान है और ऑफिशियल वेबसाइट है। इस तरह कई वेबसाइट आपको मिलेंगे, उसमें किसी पे नहीं जाना है, आपको जो SBI का ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे जाना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये इस पे हमें क्लिक कर देना है। ये हमने क्लिक कर दिया तो फ्रेंड्स इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है आपका। इसमें फ्रेंड्स आपको अगर आपने SBI ऑनलाइन बैंकिंग यूज करने के लिए अगर अकाउंट बनाया होगा तो आप लॉगिन करेंगे, यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। और अगर अकाउंट नहीं बनाया होगा तो फ्रेंड्स से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है ऑनलाइन SBI यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं यहाँ, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये हमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद फ्रेंड्स ये इस तरह का इंटरफेस खुल गया। इसके बाद हमें यहाँ आना है कंटिन्यू टू लॉगिन पे। फ्रेंड्स ये हमने कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक किया और इस तरह का हमारा पेज जो है खुल के आ गया, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमें अब चलना है, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। फ्रेंड्स ये है यूजर नेम और ये है पासवर्ड। तो फ्रेंड्स हम अपना यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आपको इसमें ये कैप्चा डालना है, ये नीचे दिख रहा है आपको कैप्चा, कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। तो फ्रेंड्स हम इसमें यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर देते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद और कैप्चा फिल करने के बाद आपके मोबाइल पे जो आपने रजिस्टर मोबाइल कराया है अपने अकाउंट में, उस मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, यानी कि OTP आएगी एक, उस OTP को फिल करके आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स सबमिट करने के बाद जो है OTP डालने के बाद फ्रेंड्स इस तरह का इंटरफेस आपके पेज पे खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये आप देखते हैं होम पेज है हमारे अकाउंट का, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हमें चलना है, आप ऊपर देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज,
रिक्वेस्ट एंड क्वेरीज में आपको देख सकते हैं, ये रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज में आपको क्लिक करना है। अगर यहाँ आप नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ भी दिख जाएगा, ये आपको दिख जाएगा, इधर तो नहीं दिख रहा है, चलिए कोई नहीं, अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ भी आता है वो चीज़ रिक्वेस्ट एंड क्वेरी, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है, पहले आता था लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमें चलना है ये रिक्वेस्ट एंड क्वेरीज पे, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा आ गया है, देख सकते हैं आप, अगला जो पेज खुल के आएगा कुछ इस तरह का आएगा पेज। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ चलना है ये चेक बुक सर्विस पे, फ्रेंड्स हमें चेक बुक सर्विस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये चेक बुक रिक्वेस्ट पे हमें क्लिक कर देना है, या आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं चेक बुक रिक्वेस्ट, ये आप देख सकते हैं चेक बुक रिक्वेस्ट, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं यहाँ से कर देता हूँ चेक बुक रिक्वेस्ट पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज जो खुल के आएगा आपका, ये आप देख सकते हैं, ये आपके अकाउंट की डिटेल हो गई, ये आपका सेविंग अकाउंट है कि करेंट अकाउंट है वो दिखा देगा, ये आपका ब्रांच नेम यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें आना है चेक बुक, हमें लेना है तो हमें कैसे करना है ये देख सकते हैं आप नीचे, ये मल्टी सिटी ऑप्शन में यस किया है, आपको यस रहने देना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें ये देख सकते हैं आप नंबर ऑफ चेक बुक्स, तो नंबर ऑफ़ चेक बुक्स पे हम क्लिक करते हैं, वन पे हमें कर देना है, और नंबर ऑफ़ चेक बुक लीव्स ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आप जितना चाहे 10, 20, 25, 50, अधिकांश 50 है और कम से कम 10 का मिलता है फ्रेंड्स। तो हमें आना है 25 वाले पे, आपको जिस पे जाना है उस पे चले जाइएगा, हम 25 वाला मंगा रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आता है फ्रेंड्स नीचे हमें, ये आप देख सकते हैं बेरर चेक और ये ऑर्डर चेक, तो हमें लेना है बेरर चेक फ्रेंड, तो हमने बेरर चेक पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ये आप नीचे पढ़ भी सकते हैं कि क्या ये सब डिटेल्स हैं, कुछ आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ सबमिट पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें आ रहा है सिलेक्ट अ डेबिट कार्ड, फ्रेंड्स हमने डेबिट कार्ड सिलेक्ट नहीं किया है तो हमने ये हमारा छूट रहा था, हमने यहाँ डेबिट कार्ड अकाउंट का सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से सबमिट कर देते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपके सामने ये आपका दिख जाएगा ये सारा चीज़, ये प्लीज़ वेरीफाई द डिटेल्स और योर अकाउंट नंबर, इतना ये मैक्सिमम लिमिट आपका दिया गया है कितना आप दे सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये ब्रांच नेम आपका हो गया, ये चेकबुक की संख्या हो गई, ये नंबर ऑफ चेकबुक लिप्स, इसमें कितने पन्ने का आपको लेना है चेकबुक वो दिखा दिया है, और ये हमें बेरर चेक दिखा दिया, ठीक है सर। अब फ्रेंड्स उसका नेक्स्ट स्टेप जो है हमें ये करना है कि हमें चेक कहाँ पे लेना है, ये आप अगर करते हैं रजिस्टर्ड एड्रेस, तो आपने जो बैंक में आपका जो एड्रेस रजिस्टर कराया होगा उस एड्रेस पे आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपने लास्ट अवेलेबल डिस्पैच्ड एड्रेस, इसका मतलब आपने इसके पहले अगर कोई चीज़ मंगाया हो या ऑनलाइन कोई चीज़ के अप्लाई किया हो और आपने जो एड्रेस दिया था उस पर आया हो, ये उसके लिए है फ्रेंड्स, जो मतलब कहने का मतलब पुराना जो आपका एड्रेस है उस पर आया हो। और फ्रेंड्स तीसरे नंबर का है ये न्यू एड्रेस, तो फ्रेंड्स हमें जहाँ मंगाना है वहाँ का हम एड्रेस डाल देते हैं, हमने न्यू एड्रेस पर कर दिया तो ये सेक्शन खुल के आ गया, इसमें हम अपना एड्रेस डाल देते हैं।
फ्रेंड्स हमने सारा एड्रेस अपना डिटेल फिल कर दिया है। इसके बाद हमें ये टर्म्स एंड कंडीशन नीचे लिखा हुआ है, ये बॉक्स जो है इसमें चेक कर देना है। आई एग्री दैट माय कॉन्टैक्ट डिटेल मे बी शेयर्ड विद कुरियर। इसको हम भरने के बाद जो है यहाँ से सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स एक ओटीपी आएगी आपके पास, तो फ्रेंड्स इस ओटीपी को हमें यहाँ डाल देना है। फ्रेंड्स ये हमने ओटीपी डाल दिया है, और ओटीपी डालने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ से कंफर्म कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं हमारा चेकबुक जो है अप्लाई हो चुका है, या आप ये डिटेल सारा पढ़ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। रिफरेंस नंबर ये आपका आ गया, ये स्टेटस आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट हो गया, ये लिमिट हो गया, ये ब्रांच हो गया, और ये चेकबुक की संख्या हो गई, और कॉपीज में आपका 25 हो गया, बैरर चेक है हमारा, ये नेम, ये एड्रेस और ये पिन कोड। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी है, मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी से भी। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। फ्रेंड्स आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, और फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन अकाउंट अगर नहीं बनाए हैं अभी तक, तो कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है SBI का, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे बनाया जाता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।